डिक्टेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए अधिकृत की गई भूमि का मुआवजा न मिलने के विरोध में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने डीएफसी के निर्माण स्थल पर समाधि लेने के लिए खोदे गए गड्ढों में बैठकर विरोध प्रदर्शन किया गया। कार्यकर्ताओं ने समस्या का समाधान न होने तक काम चालू नहीं होने देने की चेतावनी दी। बाद में एसडीएम के आश्वासन पर विरोध प्रदर्शन खत्म हुआ। एडीएम को मुआवजे की मांग को लेकर एक ज्ञापन दिया भी गया है। किसानों का इंतजार, कब मिलेगा जमीन का मुआवजा? मुआवजे के लिए किसानों की गड्ढे में समाधि। अब प्रशासन से किसानों को मिला आश्वासन। मुजफ्फरनगर में फ्रेट कॉरिडोर के लिए अधिकृत की गई किसानों की जमीन की मुआवजे को लेकर किसानों और प्रशासन के बीच कई बार बातचीत का दौर चला, लेकिन अंत में किसानों के हाथ निराशा ही मिली। हाल ही में कलेक्ट्रेट में हुई विफल वार्ता के बाद भारतीय किसान यूनियन तोमर के कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन को खुले शब्दों में चेतावनी दी थी कि अगर उनकी समस्या का समाधान नहीं होता तो वो फ्रेट कॉरिडोर पर समाधि ले लेंगे। जहां समाधान न होने पर किसानों ने जेसीबी से गड्ढे खुदवाए और उनमें समाधि ले ली। वहीं इस बात की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए। इस दौरान अपर जिलाधिकारी प्रशासन अमित कुमार ने किसानों को आश्वासन दिया, जिसके बाद किसान समाधि से उठे। तो बहुत दिन पहले से चल रही किसान का मुआवजा, लगभग 26 गांव इसमें जुड़ रहे और कई महीने कई सालों से इसमें वार्ता चल रही, अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। जहां से चले थे वही बात आवे, जब अधिकारियों से वार्ता हो, कोई भी सामान हो, अगर उसे कोई खरीद रहा, हमारे पैसे दे दो, पैसे दे लो, जमीन छोड़ रहे हम, जमीन छोड़ दी, कुछ जगह काम चल गया, लेकिन पैसा का कोई अब तक वो नहीं है। ये भारतीय किसान यूनियन तोमर के जिला अध्यक्ष जी और पदाधिकारी आज एक धरना दिया था किसानों के माध्यम से। चूंकि डीएफसीसी के कई सारे मुकदमे, चूंकि मुआवजे के साथ साथ आरएनडीआर का पैसा बटा है, लेकिन कुछ मुआवजे की मांग को लेकर कुछ मुकदमे आर्बिट्रेशन जिलाधिकारी महोदय के लंबित हैं और उनकी सुनवाई के लिए उन्होंने कहा है कि शीघ्र सुनवाई हो जाए। दरअसल 4 साल का वक्त बीत गया जब मुजफ्फरनगर में 26 गांव के किसानों की जमीन फ्रेट कॉरिडोर के लिए अधिकृत की गई थी, लेकिन अब तक इन्हें इसका मुआवजा नहीं मिला। लंबे समय से इंतजार करते हुए जब सब्र का बांध टूट गया तो इस तरह अपनी बात अधिकारियों तक पहुंचाई, जहां फिलहाल इन्हें समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया गया है। प्रवेश मलिक, R9 TV, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।